जाओ यार, पीछे हो जाओ यार, थोड़ा पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाशुमल टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त यहाँ पे श्रीनगर हाईवे में खालिद खुर्शीद की निगरानी में गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए कप्तान के खिलाड़ी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे ये कि सीएम के जो सॉरी इमरान खान के जो जलसे में जो शिरकत के लिए आए, क्या तासर लेकर आए हैं। सर सबसे पहले आप सफ़र में क्या मुश्किल पेश आए और क्या जज्बा लेकर आए हो? लेकिन जज्बा तो पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी की बात है, और पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बने जो अपने फ़ैसले खुद कर सके, और जो बैरूनी साजिश के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान की जिसने रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ की है, और जो बरसों बाद एक हमारी दुआएं पूरी हुई कि एक सच्ची लीडरशिप हमें मिली, उसको जिस तरीके से उसके खिलाफ साजिश हुई, इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, तो जो साजिश करने वाले हैं वो आवाम के कटहरे में हों, फैसला आवाम करे, बाहर के लोग ना करें। दूसरी जो चीज़ है कि हम किस तरह हैं, हर मोड़ पे कंटेनर, हर मोड़ पे शेलिंग, और कुछ जगहों पे इन्होंने फायरिंग भी की है पुलिस ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसला आ गया कि रुकावटें आपके सामने, इधर अभी शेलिंग भी हुई और पुलिस ऊपर खड़ी और कंटेनर्स लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इन्होंने वायलेट किया है, और अब उसके ऊपर अब मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर केस होना चाहिए, जो हुक्मरान हैं जिन्होंने इन पुलिस को गलत अहकाम दे के इधर रखा। और मैं पुलिस के ऑफिसर्स को भी कहूँगा कि आप गलत अहकाम मानने के पाबंद नहीं हैं, और इस तरह आवाम को आप तंग नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप कब तक रहोगे यहाँ पर? जब तक खान का फैसला हो। थैंक यू वेरी मच।